राजधानी जयपुर में पिछले 3 दिन से फायरिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। बजाज नगर मानसरोवर में फायरिंग की घटना को बीते अभी 48 घंटे भी नहीं हुए हैं कि झोटवाड़ा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े कार सवार 3 बदमाशों ने लक्ष्मी नगर इलाके में डीजे की दुकान में फायरिंग कर व्यापारी पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना में व्यापारी अशोक सैनी बाल बाल बच गया, हालांकि दुकान में लगे कांच पर गोली लगने से कांच टूट गया। वहीं फायरिंग कर बदमाश तुरंत मौके से फरार हो गए। पीड़ित अशोक सैनी की सूचना पर झोटवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश में नाकाबंदी करवाई। बदमाशों की तलाश में पुलिस ने पहले आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। फुटेज में बदमाश की तस्वीर फायरिंग करते हुए कैद हो गई। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर इस घटना के बाद इलाके में व्यापारियों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि राजधानी में लगातार फायरिंग की घटनाएं हो रही है। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर किस प्रकार सरेआम दिन दहाड़े फायरिंग की जाती है एक दुकान के बाहर। हालांकि इस घटना में दुकान मालिक बाल बाल बच जाता है। सरे राह आप देख सकते हैं किस प्रकार से कार सवार बदमाश आते हैं और दिन दहाड़े दुकान पर सरेआम फायरिंग कर रहे हैं।